घर की सबसे बड़ी होने के नाते रोज आरती आप ही करती थी ना, और इसने पहले ही दिन इस घर का नियम तोड़ दिया। ये सोफे पर बिस्तर क्यों लगा है? मैं बताता हूँ भाभी कि श्री को रात में बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने एसी डिम किया और यहाँ सोफे पर आकर सो गया। वैसे सिर्फ कहने से डिशेज नहीं बनती, पुजारी की बेटी हो ना, पूजा ही सीखी होगी, खाना बनाना कहाँ आता होगा। अगर यही सब करना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी? बोलो सिंह, शादी की पहली रात हरी क्यों अकेला? जवाब दो, जवाब दो। क्या शादी की पहली रात हरी अकेला सोया सोफे पे? हाँ, जवाब क्यों नहीं देती, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देती श्री? अरे इसकी चुप्पी ही सब कुछ बयां कर रही है। किया होगा इस गंवार ने कुछ ऐसा जिससे हरी को गुस्सा आ गया होगा, और बेचारा हरी अपनी ही सुहाग रात को पत्नी से अलग सोफे पर सो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाभी, आप लोग क्यों बेकार में उसे डरा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये चुप क्यों है? ये सब तुम हरी को मत बताना, बेवजह वो गुस्सा हो जाएगा। चुप वही रहता है जिसने गलती की हो। चुप वो भी रहता है जिसे पता ही ना हो कि उसकी गलती क्या है। श्री के चुप्पी में उसकी गलती नहीं, उसकी शर्म छुपी हुई है। मतलब ये माँ की कोई भी नई नवेली दुल्हन कैसे अपनी सास को बताए कि उसने अपनी पहली रात कैसे गुजारी? आप ही बताइए माँ, क्या आप लोगों ने अपनी पहली रात के बाद किसी से इस तरह से खुल के बात की थी जैसे आप चाहते हैं कि श्री करे? हमने तो नहीं बताया, पर निक्की ने जरूर बताया होगा। इसे किसी की कोई शर्म नहीं आती। बड़ी बाप प्लीज, मुझे मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। अरे सोफे पर क्यों सोया, और वो भी अकेला? ओके, अब आप लोगों ने मुझे मजबूर कर ही दिया है तो सुनिए, सच्चाई ये है माँ कि मैं सोफे पर अकेला नहीं सोया था। बल्कि श्री भी मेरे साथ थी। क्या है ना बड़ी बात कि सोने की जगह जितनी छोटी हो दो लोग उतने ही करीब आ जाते हैं। अब आप लोगों को आगे भी कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो मैं बताऊं? हाँ हाँ बता बता। बस भाभी, ये तो बेशरम है, अपनी सुहाग रात की सारी बातें हम सबके सामने बताएगा, पागल कहीं का। चलो सब। किसी भी स्त्री से संबंध बनाना मना है। शादी की पहली रात हरी अकेला से सो? अगर थोड़ी भी खुशियों की कीमत पर हरी की जिंदगी बच जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अपने तुम्हारी इन आंखों से आंसू ना बहें, इसके लिए मैं एक तो क्या हजार झूठ बोल सकता हूं। पर कुछ मत कहो, कोई सवाल नहीं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और इसके बाद मैंने किसी से झूठ क्यों कहा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मों का साथ
तुमसे है दिन मेरे, तुमसे ही रात है। हम श्योर डैनी, हरी झूठ बोल रहा था। कुछ तो था जिसे वो अपनी बातों के बीच छिपा रहा था। फिर से शुरू हो गई तुम श्री के खिलाफ। तुम पिछले जन्म में शेरलॉक होम्स थी क्या? श्री और हरी के बीच में क्या हुआ, उसने क्या छुपाया, ये उन दोनों के बीच की बात है। तुम क्यों अपनी टांग अड़ा रही हो? हमारी बातों में भी तो लोग टांग अड़ाते हैं ना डैनी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे पूरा यकीन है श्री और हरी के बीच में जरूर कुछ गड़बड़ है। आज आपने बचा लिया, लेकिन कभी ना कभी तो सबको सच्चाई पता चली जाएगी। तब क्या होगा? सारी गलती मेरी ही है। श्री इधर देखो, इधर देखो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सब संभाल लूंगा, जैसे आज संभाल लिया। और कब तक आप इसी तरह सबको संभालते रहेंगे, मेरी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगे? निकी भाभी ठीक कहती है, मैं गंवार हूँ। आप वो चाहते थे मैं एक आदर्श बहू बनूं, घर में खुशियां बिखेरूं, लेकिन मैंने तो पहले ही दिन श्री ना तुम खुद हरी को छुओगी, ना उसे खुद को छूने दोगी। श्री, श्री, कमाल है। इसकी तो मुस्कुराहट ऐसी गई कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कहा था ना, हरी को मत छूने देना। क्यों छूने दिया यहाँ? क्यों छूने दिया हरी को? बोल चुप, बोल मत, केवल सुन। आइंदा हरी ने तुझे छुआ या तेरे करीब आया तो ये हाल करूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बोल, बोलती क्यों नहीं है? मुंह में दही जमाया है क्या? बोल, आइंदा कभी तू हरी को पास ना आने देगी
न उसे छूने देगी। बोल। अजी, आइना से ऐसा कभी नहीं होगा। समझ नहीं आता बाजी को हो क्या जा रहा है। कल रात मुझसे कहा कि उनसे दूर रहना और फिर सुबह सबके सामने इसी बात का हंगामा खड़ा कर दिया कि मैं हरी से दूर क्यों सोई। और अब जब उन्होंने फिर से मुझे छुआ तो फिर से ये हो क्या रहा है। काश आज बापू यहाँ होते। आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है बापू, बहुत। छोटी बा, आज खाने में क्या बनाओ? वैसे एक बात सच को छोटी बा, श्री भाभी के हाथ का शीरा खाने के बाद मन तो कर रहा है कि उन्हीं के हाथ का खाना खाओ, मगर क्या करूं, उससे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। छोटी बा, छोटी बा, छोटी बा, क्या कर रही हूँ? श्री, श्री जी भाभी, सब ठीक तो है ना श्री? हाँ भाभी। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं भाभी, आप बताइए ना, कुछ काम था? हाँ, मैं ये पूछने आई थी, तुम खाने में क्या खाओगी? जो आप कहें। ठीक है, तो आज मैं अपनी पसंद का खाना बनाती हूँ। भाभी, मैं भी आती हूँ ना आपके साथ, रसोई घर में खाना बनाने में आपकी मदद करूँगी। नहीं, तुम नई दुल्हन हो श्री, किचन से ज्यादा ये वक्त तुम्हें हरी के साथ बिताना चाहिए। खाना बनाने के बाद मैं तुम्हें बुलवाती हूँ। क्या हुआ श्री? वो मुझे, मैं बस अभी आई। पता नहीं क्या हो गया इसे, हमेशा मुस्कुराने वाली श्री लगता है जैसे मुस्कुराने ही भूल गई हो। Thank you.
सुनो श्री, जी भाभी, सबके सामने तो हरि ने बात पलट दी, पर मैं जानती हूं कि आज हरि ने जो कुछ कहा वो झूठ था। चलो अब तो हम दोनों ही हैं, सच बता दो। भाभी आप ही क्या कह रही हैं? देख गंवार लड़की, वैसे भी तुम सच्चाई मुझसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाओगी। अच्छा तो यही होगा कि तुम शराफत से मुझको सब कुछ बता दो। हरि सोफे पर क्यों सोया था? तुम दोनों की तो लव मैरिज है ना? चुनकर लाया था हरि तुम्हें? मेरी बहन को ठुकरा कर उसने तुम जैसी गंवार को अपने गले से लगा लिया, तो फिर अचानक क्या हो गया? क्यों सुहाग रात की सुबह हरि अपने कमरे में नहीं था? क्यों राधा सोफे पर सोया रहा? सच बताओगी मुझे? भाभी सच वही था जो उन्होंने कहा था। और अब जो तुम कह रही हो वो सच है? सुनो, मुझे बेवकूफ बना सको इतना दिमाग तुम्हारे पास नहीं है। भले परिवार के सारे सदस्य तुम्हारी इस भोली सूरत के बहकावे में आ गए होंगे, पर मैं नहीं आने वाली। भाभी मैं चलती हूँ, मधु भाभी मेरा रसोई घर में इंतजार कर रही होंगी। सुनो, अभी जाओ पर बाद में बता जरूर देना। ज्यादा देर करोगी तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। श्री, ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ तो छोड़िए। अरे भाई छोड़ दूंगा, थोड़ी देर पकड़ने तो दो, तो मीठी बातें तो करने दो। चलो इधर इधर आओ, बैठिए। मुझे तुमसे कुछ चाहिए श्री, बोलो दोगी? मुझे मेरी वो श्री चाहिए जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया, जिसे भगवान के सामने मैंने अपना बनाया, जिसे हंसना आता था, जो हर पल मुस्कुराती रहती थी। कहां गई वो श्री जो मेरी शरारतों का जवाब अपनी शरारतों से देती थी, जिसके पास हर मुश्किल का हल था? बोलो श्री, बोलो। देखो श्री, मैं नहीं जानता कि क्या है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, पर मैं जानना चाहता हूं, प्लीज बताओ मुझे। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। श्री इनकी तरफ देखो तो सही। अरे मैंने तो सुना था हीरे किसी भी लड़की के सबसे बड़े दोस्त होते हैं, उन्हें पाकर वो सारी दुनिया भूल जाती है। Come on, मां